नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ सेब की सब्जी। सेब की सब्जी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कटा सेब एक कटोरी, टमाटर प्यूरी आधा कटोरी, चीनी 2 से 3 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसी हरी मिर्च 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसा अदरक 1 चम्मच, कटा हरा धनिया 2 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसी सौंफ 1 चम्मच, पिसा धनिया 1 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, नींबू का रस 1 से 2 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, छोटी व बड़ी इलायची 2, दालचीनी टुकड़ा 2 से 3, जीरा 1 चम्मच, लौंग 4 से 5, हींग 1/4 चम्मच, घी 1 से 2 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले सेब को धोकर छीलकर काट लेंगे और नमक व नींबू लगाकर रख देंगे जिससे कि सेब काला ना पड़े। अब गैस जलाएंगे और पैन में घी डालकर गरम करेंगे। इसमें दालचीनी, लौंग, छोटी बड़ी इलायची, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, हींग डालकर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ डालेंगे और एक बार फिर से भूनेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच टमाटर प्यूरी के डालेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ सेब डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। अब इसमें चीनी स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा डालेंगे और सब्जी को चलाएंगे। अब 1 कप पानी डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। अब ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट पकने देंगे। अब ढक्कन उतारकर सब्जी को एक बार फिर से चलाएंगे। अब इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी डालेंगे और सब्जी को चलाएंगे। अब ढक्कन लगाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब ढक्कन उतारेंगे और सब्जी को एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब इसमें नींबू का रस और हरे धनिए से सजाकर गर्मा गर्म पराठा, पूड़ी, चावल, रोटी आदि के साथ परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई .net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।